एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट सिंघम अगेन. यस, तो कैसी लगी सिंघम अगेन? फर्स्ट मैं बोल देती हूँ कि सिंघम अगेन की जो ट्रेलर निकली थी वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि उसके साथ रामायण का जो कनेक्शन उन लोगों ने बिल्डअप किया है वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था. इवन फ्यू विजुअल्स आर ऑल्सो. तो थिएटर में एक्चुअली ये काफी अच्छा लगता है, और स्पेशली इसके अंदर जो एक्शन सीन्स है ना वो उभर के आती है. एनीवे, तो लाइक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स, वी ऑल नो, लाइक वी आर ग्रेट फैन ऑफ रोहित शेट्टी डूइंग कॉमेडी एंड इवन डूइंग मोर लाइक एक्शन. तो लेकिन हाँ, हालांकि रोहित शेट्टी के लास्ट कुछ फिल्म्स है जो कि फ्लॉप जा रहे थे, तो आई वॉज एक्चुअली वरीड कि सिंघम अगेन कैसी होगी फाइनली. बट हाँ, मतलब थैंकफुली दे दिस टाइम दे डिडंट डिसअपॉइंट अस. यस, तो पहली बात तो मुझे ये लगा कि इतने सारे कैरेक्टर्स, लाइक कौन नहीं है फिल्म में, हर कोई, एवरीवन इन देयर ओन स्पेस वाज रियली नाइस. इवन कुछ कुछ सीन्स तो मुझे अर्जुन कपूर के भी अच्छे लगे. दिस इज रियली सरप्राइजिंग, या आई नो. दीपिका पादुकोण वाज रियली लुकिंग नाइस. करीना कपूर, यस, करीना कपूर के नाम डेफिनेटली मेंशन करना पड़ेगा. शी इज लुकिंग रियली स्टनिंग, और उनके जो सीन्स है कुछ, दैट वाज रियली नाइस. उसके बाद डेफिनेटली द ओजी सिंघम, लाइक अजय देवगन, फिर टाइगर श्रॉफ, फिर अक्षय कुमार, एवरी सिंगल वन हु इज इन द फिल्म. वो कॉमेडी पोर्शन, हालांकि कॉमेडी पोर्शन मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो ज्यादा वर्क किया, लेकिन द एक्शन सिक्वेंस, ओ माई गॉड, दैट वॉज यू नो लाइक टॉप नॉच. और वो भी थिएटर में देखने वाली, तो यू नो अलग ही वो माहौल बन जाता है जब एक्शन सिक्वेंस होता है, वो भी यू नो लाइक कोरियोग्राफ्ड बाई रोहित शेट्टी एंड हिज टीम. तो दैट इज अ डेफिनेटली यू नो लाइक मस्ट वॉच थिंग इन दिस फिल्म. और बाकी के जो मैं बोल रही थी कि रामायण के साथ जो इसका कनेक्शन उन लोगों ने बिल्डअप किया, वो काफी सीन्स है जो आप लोगों के ना गूज बम्स देंगे, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा. हालांकि पहला वाला जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा सा यू नो लाइक ढीला, धीमे ताल में चल रहा है. मतलब जैसे कि उतना इंटरेस्टिंग या फिर उतना वो टेंशन वाली माहौल या फिर उतना नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे फिल्म में उन लोगों का जो यू नो लाइक प्लानिंग वॉज लाइक यू नो पहले से आपको जो बिल्डअप देते हैं उसके लिए थोड़ा शायद वो स्लो पेस में चलता है, लेकिन बाद में जाके वो यू नो इतना पिक कर लेता है ना, फिर उसके बाद तो यू नो रुकते ही नहीं, ऐसा टाइप का. क्लाइमैक्स वॉज ऑल्सो नाइस एक्चुअली. तो यू नो इट वॉज अ गुड वॉच. मुझे लगता है एटलीस्ट रोहित शेट्टी के लास्ट कुछ फिल्म जैसा चल रहा है उससे तो काफी बेटर ये है. और ऊपर से हमारे जितने सारे यू नो फेवरेट ये एक्शन स्टार्स है, उन लोगों को एक साथ देखने के लिए मुझे तो लगता है डेफिनेटली यू नो यू शुड वॉच सिंघम अगेन. और यू नो लाइक फैमिली सीरीज, फैमिली कंटेंट है, दिवाली चल रहा है, पटाखे फोड़ रहा है, और वैसे ही पटाखे इस फिल्म में भी फोड़ रहे, तो मुझे लगता है यार डेफिनेटली यू कैन वॉच इट. सो नाउ गो एंड वॉच एट योर नियरेस्ट थिएटर सिंघम अगेन. And please comment down below कि आप लोगों को कैसा लगा. Okay, bye.